हेलो यूट्यूब बडीज, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बेसिक कंप्यूटर कोर्स के इस चैप्टर में आप सबका स्वागत है, जहां हम सीखने वाले हैं टास्क बार ऑप्शंस। तो दोस्तों, जब आप टास्क बार पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक टूल बार्स, कोटाना और भी कई सारे ऑप्शंस, जिनका यूज हमें नहीं पता होता। तो आज के इस वीडियो में आप इन सारे ऑप्शंस का यूज जानने वाले हैं और ये भी सीखने वाले हैं कि इनका यूज आप कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है टूल बार्स का, जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिलेगा एड्रेस का। दोस्तों, एड्रेस एक ऐसा टूल बार होता है जिसकी मदद से आप किसी भी मतलब कोई भी आपकी फाइल है वहां एक्सेस कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सपोज कोई इमेज है या कोई भी फाइल है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डेस्कटॉप, तो जैसे मैंने थोड़ा सा लिखा यहाँ पे मुझे सजेशन कर दिया कि आप क्या चाह रहे हो, आप डेस्कटॉप डेस्कटॉप राइट क्लिक इमेज क्या चाह रहे हो, तो मैंने इससे बोला डेस्कटॉप राइट क्लिक इमेज। तो अब ये क्या करेगा कि उस इमेज को यहाँ पे मेरे सामने खोल के दिखा देगा, चाहे वो इमेज कहीं पे भी हो, तो सीधा सीधा वो यहाँ पे एक्सेस में हो जाऊंगा। इसके बाद दोस्तों, अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा लिंक का। तो लिंक क्या है यहाँ पे दोस्तों, कि लिंक में जो भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, बेसिकली जैसे मैं यहाँ पे ये ऑन आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ या फिर कोई एंटीवायरस है, तो ये सब ऑलरेडी सजेस्टेड है। तो जैसे मैं जिस लिंक पे भी क्लिक करूंगा वो सॉफ्टवेयर यहाँ पे खुल जाएगा, तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अगले ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो अगला टूल बार आपको मिलता है डेस्कटॉप। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है, इसी को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। तो ये जो डेस्कटॉप वाला ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जो पहले का ऑप्शन है इन्हें हटा देता हूँ, जैसे एड्रेस और लिंक, डेस्कटॉप समझते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी आपने टूल बार लिया है उसमें जितनी भी चीजें, एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे होंगे कि जो जो चीजें यहाँ पे दिख रही है वही चीजें आपको यहाँ पे भी डेस्कटॉप पे नजर आ रहा होगा। साथ ही डेस्कटॉप में जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं वो उनके अंदर भी जो फाइल्स हैं उन पे भी आप डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो जिसको भी खोलना है बस आपको उस पर क्लिक करना है और वो चीज खुल जाएगी। तो इसे भी यहाँ पे हम रिमूव करते हैं जैसे पहले था मैनुअल। अब इसके बाद दोस्तों, अगला ऑप्शन हमें मिलता है कोटाना। देखो दोस्तों, कोटाना एक आइकन होता है जो कि सर्च बार में यूज होता है, जो सर्च बार आप देख रहे हो यहाँ पे टास्क बार पे, इसमें तो इसमें जो आप ये रिंग आइकन देख पा रहे इसी को कोटाना बोलते हैं। तो आपने राइट क्लिक किया, कोटाना पे गए और आपने कहा कि शो कोटाना आइकन, मतलब इस सर्च बार हटा दो और सिर्फ कोटाना आइकन यहाँ पे दिखाओ। अब इसमें हम कोटाना पे गए और मैंने इसको हिडन कर दिया, तो जो वो आइकन था वो भी गायब हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सर्च बॉक्स, तो ये दोनों चीजें वापस आ जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे शो टास्क व्यू बटन। तो टास्क व्यू बटन यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो भी टास्क आप चला रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे खुल के आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों, हम अगले ऑप्शन की बात करें, इसको रिमूव करते हैं। अगला ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पे शो पीपल ऑन द टास्क बार। तो जो भी यूजर अकाउंट आप यूज कर रहे हो वो चीजें यहाँ पे खुल के आ जाएगी। इसके बाद शो विंडो इंक वर्क स्पेस बटन, तो ये आ गया आपका विंडो इंक वर्क स्पेस बटन, तो ये आप यहाँ पे आइकन मिल जाएगा जहां से आप वहां पे भी एक्सेस कर पाओगे। इसके बाद आपको मिलता है शो टच कीबोर्ड बटन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक टच कीबोर्ड आइकन मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑलरेडी क्या है कि एक इंटरनल कीबोर्ड खुल के मिल जाएगा जिसे आप एक्सटर्नल कीबोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगले ऑप्शन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो नीचे के तीन यहाँ पे ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे क्या है, डिसेबल्ड है कि हम इन्हें यूज नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको कोई टास्क खोलना पड़ेगा। सपोज दैट मैंने ये फोल्डर खोला, अब आप देखेंगे ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो एबल्ड हो गए। तो कास्केड विंडो करने पे ये कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको करते हैं शो विंडो स्टैक्ड, तो ये स्टैक्ड में आ जाएगा इस तरह से ऊपर की तरफ, और आप करेंगे अगर शो विंडो साइड बाय साइड तो ये साइड में हो जाएगा। ऑलरेडी ये साइड में ही है, तो इसको मैं दोबारा आपको करके बता देता हूँ। तो शो विंडो साइड बाय साइड, तो ये ऑलरेडी साइड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है शो द डेस्कटॉप, तो ये आपको डेस्कटॉप दिखा देगा, ठीक है। और अगर आपने किया शो अपन विंडो, तो ये विंडो खोल देगा। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं टास्क मैनेजर। तो देखिए दोस्तों, टास्क मैनेजर आपके टास्क कंटेन करता है। एग्जांपल के लिए अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूं इस स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आपको सिर्फ टास्क मैनेजर में एक यही ऑप्शन नजर आएगा, देखिए आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर यहाँ ले लेता हूँ, लाइक वीएलसी मीडिया प्लेयर में ले लिया, ठीक है। और अब मैं यहां पे जाके चेक करता हूं कि अब ये टास्क मैनेजर में क्या क्या चीजें दिखा रहा है।
तो आप देखेंगे अब यहाँ पे दो जो दो टास्क दिखा रहा है, एक है आइसक्रीम स्क्रीन रिकॉर्डर और जो दूसरा है वो क्या है, वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पे जो दो टास्क हैं वो ये दोनों टास्क मैनेजर में दिखा रहा है। इसको क्लोज करते हैं। ओके, नेक्स्ट की हम बात करें लॉक द टास्क बार। देखो दोस्तों क्या होता है कि लॉक द टास्क बार क्या होता है कि जो आपका शॉर्टकट फीचर होता है टास्क बार का उसको लॉक कर देता है। एग्जाम्पल के लिए आपको बस टास्क बार को सेलेक्ट करना है और दबाए रखना है और आपको इसको राइट हैंड साइड पे लेना है। देखिए राइट साइड मूव हो गया, अप साइड मूव हो गया, मतलब आपको प्रेस करके इसको नीचे की तरफ या फिर दाएं तरफ बाएं तरफ जहां पे भी आप ले जाना चाहो जा सकता है। साथ ही जब आप इसके कॉर्नर पे जाओगे तो आप इसको इस तरह से बड़ा कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पे राइट क्लिक करते हैं, ठीक है ध्यान देंगे, राइट क्लिक करते हैं और मैंने करते हैं लॉक द टास्क बार, तो ना इस पे वो जो आपको इसको स्क्रो जो भी आप इसको खींचना चाह रहे थे मतलब बड़ा कर रहे थे वो भी नहीं कर पाओगे और ना ही आप इसे शॉर्टकट में मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं लॉक हटा देता हूं तो आप देखेंगे ऑलरेडी आपको ये सिंबल मिल जाएगा जिससे आप इसे खींच सकते हैं यहाँ पे। ओके, आगे बात करते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि है टास्क बार सेटिंग, जिसमें आपको टास्क बार से रिलेटेड सेटिंग मिल जाएगी जिसमें आप इसका लॉक द टास्क बार ऑन कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी एक हिसाब से टास्क बार की सेटिंग आप कर पाते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये जो टास्क बार के ऑप्शंस है वो सारे के सारे आपको क्लियर हो गए हों, जो जितने भी ये डाउट्स हों या कंफ्यूजन हो क्लियर हो गया हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें, और अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आगे की भी जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।